मेरा नया वीडियो के साथ आज का शुरुआत करने जा रहा है पेट्रोल पंप इंडियन पेट्रोल पंप से। तो मेरा आज मैं तेजपुर तक पहुंचेगा ऐसा लगता है मेरे को। कल भी इतना तो कवर कर ही लिया था, फिर आज निकलते गए और मेरा वीडियो के साथ आज नए शुरुआत के साथ। तो अच्छे से जुड़ते रहो मेरे चैनल के साथ और आराम को भी अच्छा लगेगा, आप लोग को भी देखकर अच्छा लगेगा मेरा वीडियो का अपडेट मिलते। तो मिलते हैं कैसे आगे का रास्ता का नज़ारों का साथ। आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा खूबसूरत मिलने वाला शायद ऐसा लगता है और मुझे आसपास पहुँचने वाला है। तो मिलते हैं कैसे आगे का नज़ारों का साथ। तो चलो गाइस बीचों बीच जंगल का बीच में पहुंच चुका है। अभी हाईवे तो सेम ही है, पर अभी आधा रास्ते में शायद मैं मोरीगाँव के आसपास में पहुंच चुका है ऐसा लगता है। पर मैं मोरीगाँव का रास्ता नहीं गया, अलग रास्ता है, मैंने नेशनल हाईवे को ही पकड़ लिया था। वो आज बहुत लोग बोल रहा था कि मोरीगाँव से जाने वाला रास्ता बहुत खराब, रास्ता खराब है, बहुत तकलीफ होगा तेरे को। तो उधर से जाने से अच्छा नेशनल हाईवे से पकड़ के जाऊँ, वो ही बोला था, इसकी वजह से मैं नेशनल हाईवे पकड़ कर आया है। और इधर में भी रास्ता काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, चलाने में भी मज़ा आ रहा है मेरे को। और एक चीज़ मेरे को एक्सपीरियंस मिला है इधर का गर्मी में कैसे करने का है वो एक्सपीरियंस मिला है। और पेट्रोल पंप भी काफ़ी ज़्यादा दूर है इधर में, गाड़ी भी इतना काम नहीं चलता है। ये हाईवे सीधा अरुणाचल में निकलेगा और मैं उधर में जाकर थोड़ा बहुत घूमेंगे अरुणाचल में। इसको अब मैं सिक्किम के लिए निकालने के लिए कोशिश करेंगे, निकल पाएगा कि नहीं पाएगा। तो देख सकते हैं गाइस इधर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आप दिखाते हैं। आज का दिन बारिश आएगा ऐसा लगता है, अभी तक भी धूप नहीं निकला, 10 बज चुका है अभी तक धूप नहीं निकला। तो ऐसे मौसम को देखकर तो ऐसा लगता है बारिश आएगा। तो बारिश आएगा तो थोड़ा तकलीफ होता है, रेनकोट लेके आया नहीं होगा, बैग चेक नहीं किया मैंने, और अब देख नहीं आया तो मेरा वर लग जाएगा। और पूरा इधर मैं खेतों के बीच से निकल रहा मैं अभी, लगभग मेरा अभी 100 किलोमीटर ऐसे दूर होगा उधर में क्या बोलते हैं तेजपुर, 100 किलोमीटर से 90 किलोमीटर से दूर होगा। फिर मैं आज धीरे धीरे चलाऊंगा, तेजपुर पहुँचने से भी होगा नहीं तो नहीं पहुँचने से भी होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिलते हैं गाइस नज़ारों के साथ। आ रहा था असम का काफ़ी खूबसूरत और वो देख रहा है, बाद में दिखाते गाइस। ये देख सकते हैं ये असम का कल्चर का है सब। ये अगर मेरा पास गाड़ी होता तो मैं भी लेके जाने वाला था। एक ये सब देख सकते सब बम्बू का ही बनाया हुआ है और आगे भी पूरा बम्बू से बनाया हुआ है। अगर मेरा पास गाड़ी और पैसा ज़्यादा लेके आता तो मैं लेके जाने वाला था एक को। मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और लेने का भी मन कर रहा है मेरा। और ये देख सकते हैं ये सोने का ही है, आराम करने का। ये सब देख सकते सब बम्बू का ही है ये। हुआ था बोला तो इसके वजह से मैं लीक ले लिया और आज होगा तो तकलीफ होगा मेरा। तो
इधर से लिफ्ट ले लिया, तो देख लीजिए आगे का नजारा। इधर जशपुर के आसपास में कोलिया बोल रही है, क्या बोल रहा था, ऐसे जगह में पहुंचा है तो मेरे को दो भाई मिला है, वो भाई ने मेरे को मदद किया है, पैसा का मदद किया है और मेरे को अच्छा लगा है। और ये भाई का सर फोटो वोटो खींच क्या है, बातचीत करके अच्छा लगा मेरे को। तो देखा था वो लोग भाई को, ये देख सकते है ये दोनों भाई है, बहुत अच्छा है, सब्सक्राइब कर दिया उनका चैनल, अच्छा लगेगा। थैंक यू। तेजपुर के आसपास में पहुंच चुका है, अभी 20 किलोमीटर बाकी है, मैं पहुंचेगा 4 बजे, 4 बजे नहीं 4:30 तक पहुंचेगा। और मैं उधर में ठहर कर आज तेजपुर में ठहरेगा, फिर कल मैं सिमसम विलेज के लिए निकल जाएगा अरुणाचल के लिए। उधर से मेरा 120 किलोमीटर पड़ेगा तेजपुर से, और मैं उधर में जाकर फिर डायरंग के लिए निकल जाएगा। डायरंग से फिर उसके बाद में निकलेगा तवांग, तवांग के बाद फिर मैं निकलेंगे सिक्किम। काफ़ी ज़्यादा हेल्प मेरे को और अच्छा लगा है, और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब खूबसूरत नजरों का फिर निकल पड़ा है मैं भी। और मैं अभी ब्रह्मपुत्र रिवर्स क्रॉस करने वाला है, अभी आगे में थोड़ा देर आगे में होगा बाइक होता तो काफ़ी ज़्यादा भागने में मज़ा आने वाला था, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा सीधा है, खूबसूरत भी है, और खेतों का पीछे से जैसे हरियाणा में राइड कर रहा वैसा लग रहा है मेरे को। असम में भी पर थोड़ा अलग है, हरियाणा में पहाड़ वहाड़ दिखता है और असम में पूरा प्लेन एरिया है। और आज का गर्मी इतना गर्मी नहीं था, धीरे धीरे चला रहा था। और जो मैंने लाटम भाई का एक ड्राइवर मिला था ना, वो ड्राइवर मेरा डाउनगेट में मिला था, मेरा शहर का, मेरा शहर में ही है। फिर उसके बाद जोरावर में मिला था, बॉर्डर में, असम बॉर्डर में। फिर उसके बाद आगे आने के बाद इधर जागी रोड से 50-60 किलोमीटर आगे होगा, उस टाइम में मिला था। और उस टाइम में मेरे को गाड़ी में लिफ्ट दे दिया, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही एक गाड़ी को मतलब हाईजैक किया था, पूरा गाड़ी लूट, गाड़ी को पूरा पकड़ कर लेके गया था बोला, तो मैंने वो नहीं किया है। और तो चलो गैस आगे का नज़ारा के साथ। ब्रह्मपुत्र ब्रिज में क्रॉस करने वाला है गैस, और ब्रह्मपुत्र का नज़ारा आपको वीडियो बनाकर आप लोग को भी दिखाएंगे, और मैं एक हाथ से साइकिल चलाते चलाते एक हाथ से बनाकर दूँगा तो आप लोग को भी दिखाएंगे गैस। और अभी नया ब्रिज है बोल रहा है, पर कैसा है देखते हैं, फिर आगे में जाकर ही मालूम पड़ेगा। तो चलो गाइस,
खाने के लिए बुलाया रेस्टोरेंट के अंदर में, तो इधर ही लाभ कर मेरा अच्छा रहेगा। फिर कल सुबह जिससे अरुणाचल का अंदर में पूछेगा मेरा एक कंपटीशन है अरुणाचल में, तो पता चल गया फिर जो मेरे मेरा कंपटीशन लुक है, जो मेरा कंपटीशन आदमी मेरा पीछे देखता है वो लुक तो समझ गया तो मैं किसका किसका बात कर रहा हूँ, मतलब कंपटीशन मतलब किसका बात कर रहा है वो। तो मैं उसका घर में खेलेंगे, एक दिन लड़का नहीं लड़की है दोस्त है मेरा, तो उसका घर में खेलेंगे एक रात के लिए। तो उसका फिर मैं निकल जाएंगे तवांग दहेरंग वो सब ऊपर में सिकिम की लेंटर निकल जाएगा। तो मेरा वीडियो आज का वीडियो इधर में खत्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल सुबह में। तो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।